एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक होने वाला है सनस्क्रीन के ऊपर। सनस्क्रीन के ऊपर मैंने आपके साथ बहुत सारी वीडियोस जो है वो ऑलरेडी शेयर की हुई हैं। मैंने आपके साथ सनस्क्रीन के ऊपर एक ऐसी वीडियो भी शेयर की थी जिसमें मैंने सनस्क्रीन के रिगार्डिंग बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे जो सवाल होते हैं आप लोगों के माइंड में, उन सारे क्वेश्चंस को भी क्लियर किया हुआ है। फर्दर जैसे जैसे मैं आगे सनस्क्रीन की वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, तो उसके साथ साथ मुझे जो भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि आपके माइंड में ये आ सकता है, मैं पहले ही उसको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ हर एक वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके साथ ऐसी बहुत सारी प्यारी प्यारी वीडियोस लेकर के आती रहूंगी और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, कोई वीडियो आपसे छूट ना जाए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ जिस सनस्क्रीन के ऊपर बात करने वाली हूँ, जिसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, वो होने वाला है, ये है शुगर पॉप का सनस्क्रीन। ये इस तरह से इसकी कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है और बीच में से इस तरह से ये वाला ट्यूब पैकेजिंग में प्रोडक्ट निकलता है। इस तरह से अगर इसमें है SPF 50, PA++++, UVA एंड UVB प्रोटेक्शन, ये हमें ब्लू लाइट से भी प्रोटेक्ट करता है। मेन इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन सी एंड हायलुरोनिक एसिड। और इसका इस पैकेजिंग का जो प्राइस है, ये 50 ग्राम का प्रोडक्ट है और इसका प्राइस है 349 रुपीज। अगर हम इसकी प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये बहुत ही क्रीमी कंसिस्टेंसी का है, लेकिन बहुत ही इजीली आपकी स्किन के ऊपर ब्लेंड हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब इसे अप्लाई किया और कब ये आपकी स्किन पर ब्लेंड हो गया, और व्हाइट कास्ट ये बिल्कुल भी नहीं देता है। चलिए अब जम करते हैं इस प्रोडक्ट के जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल जो ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है उसके ऊपर। मैं आपको कहना चाहूंगी कि मुझे हर रोज कोई ना कोई प्रोडक्ट्स मंगवाने पड़ते हैं, अपने ऊपर टेस्ट करने पड़ते हैं, तो इस तरह से मैं सनस्क्रीन भी बहुत सारे ऑर्डर करती रहती हूँ एक एक करके। जैसे जैसे मेरा फिनिश होता जाता है तो मैं सनस्क्रीन आगे मंगवाती रहती हूँ। तो पर्सनली मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगी कि मुझे बहुत सारे सनस्क्रीन टेस्ट करने पड़ते हैं, लेकिन जब से मैंने इस सनस्क्रीन को यूज करना शुरू किया है, ये मेरी जो फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट्स है उनकी लिस्ट में सबसे नंबर वन पर आ गया है, टॉप वन पर आ गया है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो है ड्राई कैटेगरी की, तो मुझे मेरी स्किन के ऊपर ऐसी हाइड्रेशन चाहिए होती है जो मेरे चेहरे को बहुत ज्यादा ऑयली एंड ग्रीजी ना दिखाए और बहुत ज्यादा ड्राई भी ना रखे। तो इस तरह से ये जो है, ये प्रोडक्ट मेरी उम्मीदों के ऊपर बहुत ही खरा उतरा है। ये प्रोडक्ट जो है, इसको मैं जब भी अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करती हूँ, ये मेरे चेहरे को जितनी हाइड्रेशन, जितने लेवल की चाहिए होती है जिससे मेरा चेहरा ग्रीजी ना लगे, उतनी ये परफेक्टली दे देता है और बहुत ज्यादा ग्रीजी नहीं लगता है, बहुत ज्यादा मेरा चेहरा ड्राई भी नहीं रहता है। तो इस तरह से इसलिए ये प्रोडक्ट मुझे इतना पसंद है और इसको बहुत ज्यादा बार बार रीअप्लाई करने की जरूरत भी मुझे ऐसा ऐसा कुछ फील नहीं होती है। ये जो प्रोडक्ट है ऑल स्किन टाइप्स को सूट करता है। समर सीजन के लिए स्पेशली ये जो प्रोडक्ट है, ये आप लोगों के लिए बेस्ट 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 प्रोडक्ट होने वाला है। ये मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, आप भी इस प्रोडक्ट के फैन हो जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।